हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान भक्ति में। दोस्तों, कष्टों से मुक्ति के लिए हमें माँ महाकाली का पूजन करना चाहिए। महाकाली के विषय में बताने और उनके गुणगान करने में अनंत काल का वक्त छोटा पड़ जाता है। माँ काली की उपासना करने वाले का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ काली की क्या महिमा है और वे किस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। शक्ति की प्रतिमूर्ति है माँ महाकाली, दुष्टों का संहार करने वाली। माँ काली हिंदू धर्म में शक्ति स्वरूपा माँ काली की उपासना का एक विशेष महत्व है। आइए जानते हैं माँ काली के विषय में कुछ बातें, इसके साथ ही उनकी उपासना के कुछ खास नियम। माँ काली की उपासना का महत्व। शक्ति संप्रदाय की प्रमुख देवी माँ काली यह कुल 10 महाविद्याओं के स्वरूप में स्थान पर है। शक्ति का महानतम स्वरूप महाविद्याओं का होता है। काली माँ की पूजा उपासना से डर खत्म होता है और इनकी आराधना से रोग मुक्त होते हैं। राहु केतु की शांति के लिए महाकाली की उपासना अचूक है। माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। इनकी पूजा से तंत्र मंत्र का असर भी समाप्त हो जाता है। माँ काली के पूजा के नियम। दो तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है, एक सामान्य पूजा और दूसरी तंत्र पूजा। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, पर तंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण और निर्देशों के बिना नहीं की जा सकती। काली माँ की उपासना सही समय यानी मध्य रात्रि का होता है। इनकी पूजा में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व माना जाता है। माँ काली के मंत्र जाप से ज्यादा इनका ध्यान करना उपयुक्त माना जाता है। दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए जरूर करें माँ काली की उपासना। माँ काली की उपासना शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने के लिए की जाती है, किसी की मृत्यु के लिए नहीं। आप विरोधी या किसी शत्रु से परेशान हैं तो उस समस्या से बचने के लिए आप यह उपाय करें। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं तो आप लाल कपड़े पहनकर लाल आसन पर बैठकर माँ काली के समक्ष दीपक और गुग्गल का धूप जलाएं। माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग चढ़ाएं। इसके बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः का 11 माला जाप करके शत्रु और मुकदमे से मुक्ति की प्रार्थना करें। मंत्र जाप के 15 मिनट तक पानी नहीं छुएं। यह अर्चना लगातार 27 रातों तक करनी है। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से माँ काली का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।